आज मैं आपको लेकर आ गया बैंगलोर के फेमस ब्राह्मण प्रसादम में, जहाँ पे ब्रेकफास्ट में मिलता है शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत ही सिंपल और टेस्टी होता है। और इसको खाने के लिए लोग यहाँ पे सुबह सुबह लाइने लगा देते हैं और दो घंटे में इनका सारा फूड खत्म हो जाता है। तो चलिए भैया से बात करते हैं, उनका ब्राह्मण फूड टेस्ट करते हैं। दिस इज जीरा राइस मेड अप ऑफ प्योर घी, देसी घी, पोहा, अवलक्की, वी कॉल एज अवलक्की, पोहा एंड मैंगो स्पेशल रबड़ी। दिस इज कॉर्न सूप, वी कॉल एज अंबली इन कन्नड़ा, एंड दिस इज बटर निप्पल। ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊಸದೇನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ, ಏನಾದರೂ ಹೊಸದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫುಡ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫುಡ್ನ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಥರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಪ್ರಸಾದನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಥರ ಪ್ರಸಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಸಾದಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. तो अभी सुबह सुबह हम यहाँ पे आ गए हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे दस लगना स्टार्ट हो चुका है. तो ये नाम बता दीजिए. सुमन भारद्वाज. तो कितने साल से आपने स्टार्ट किया है यहाँ पे? 1 ईयर. तो यहाँ पे लोग खाने के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं? कनकपुर, मैसूर, दावणगेरे, हुबली एंड लोकल से यार जयनगर, जेपी नगर, कत्रगुप्पे, बसनगुड़ी, पीपल विल कम फ्रॉम देयर एंड ऑल. व्हाई? बिकॉज वी विल ऑफर टू गॉड एंड विल कम हियर, सो ओनली इट विल एनहांस द टेस्ट. पर्सनली आई बिलीव दैट, सो ओनली पीपल आल्सो बिलीव दैट एंड विल कम हियर. तो आप पहले मंदिर जाके पूजा वगैरह करते हो? या 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 या, बिफोर कमिंग वी विल ऑफर टू गॉड एंड विल कम हियर, सो ओनली वी कीप प्रसादम, नॉट फॉर बिजनेस पर्पस. तो पहले भगवान को चढ़ता है सारा प्रसाद? या 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 या, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ our outlet. Starting since 6 months we survived for 20 rupees. 20 rupees? Yeah, 20 rupees. From January 26th to 2023 we just increased 10 rupees all from each menu. नमस्कार भैया, अपना नाम बता दीजिए. युवराज. अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं इधर हिटमाड़ो. तो यहाँ का नाश्ता कैसा लगा आपको? अच्छा है. फर्स्ट टाइम आया जी? हाँ, फर्स्ट टाइम. तो क्या क्या ट्राई किया जहाँ पे? अभी अवलक्की और ये जीरा राइस. बाकी लोग को रिकमेंड करोगे यहाँ पे आने के? 100%. अच्छा है खाना? खाना अच्छा है, बेटर है, हेल्थी है. ओनली टू अवॉइड प्लास्टिक वील यूज लाइक दिस, इट्स कॉल्ड बनाना लीफ, मेड अप ऑफ बनाना लीफ, यू कैन चेक एंड इट विल बी वेरी नीट. We'll wash and we'll come, we'll get care. तो ग्लास भी देख सकते हैं, ये कॉपर का यूज करते हैं. जो भी लोग आते हैं कॉपर में पीते हैं तो बोलते हैं कि पानी के लिए बहुत सही रहता है. ब्राह्मण प्रसाद का मतलब मीनिंग क्या है? ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण, बिकॉज वी डोंट यूज एनी काइंड ऑफ ऑनियन गार्लिक, सो दैट इज द वे वी कुक, सो वी केप ब्राह्मण. तो सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ पे पोहा लगाया जा रहा है, तो एकदम फ्रेश, अभी ताज़ा ताज़ा पोहा बन गया एंड हॉट टू, एकदम गर्मा गर्म पोहा बन गया है और एकदम फ्रेश यहाँ पे लगाया जा रहा है. दिस इज जीरा राइस. ये हमारा जीरा राइस. तो ये देसी घी बनाया जाता है. एंड दिस इज मैंगो रबड़ी. तो ये है इनकी स्पेशल मैंगो रबड़ी. और ये आ गया भाई इनका गर्मा गर्म कॉर्न सूप. This is special kind of chutney, but this is not chutney, kind of chutney. तो फाइनली बैंगलोर की फेमस ब्राह्मणम प्रसादम के मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट के सारे आइटम्स यहाँ पे लगवा लिए हैं. तो मैं बताता हूँ क्या क्या यहाँ पे लगाया है. तो सबसे पहले देखते हैं ये इनके जीरा राइस. तो जीरा राइस एकदम फ्रेश बना के लेके आया, गर्मा गर्म सर्व किया है, ऊपर से डाली है कोकोनट की चटनी. साथ में देख सकते हो मैंने यहाँ पे लगवाई है मैंगो रबड़ी, जो कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. ये आधे घंटे में ही यहाँ पे खत्म हो जाती है. तो साथ में देखते हो आपको एक वड़ा मिल जाएगा जिसमें कि बहुत सारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाले गए हैं. नेक्स्ट आइटम देख सकते हो ये है इनका पोहा और इसके साथ भी इन्होंने कोकोनट चटनी दी है और ये इनका कॉर्न सूप. तो मुझे सबसे अच्छी बात इनकी ये लगी कि जो भी चीज़ इन्होंने सर्व की है पत्ते की कटोरी में सब की है. तो शुरुआत करते हैं इनके सूप से. तो सूप की आप थिकनेस देख सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़िया है. तो सूप एकदम थिक बनाया गया है, एकदम स्वादिष्ट है. आप मेरे पीछे पार्क देख सकते हो. तो पार्क में यहाँ पे लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं और सबसे पहले आके यहाँ पे इनका सूप ट्राई करते हैं. तो सूप तो मुझे बहुत बढ़िया लगा. सूप तो मैंने ट्राई कर लिया, नेक्स्ट इनका पोहा ट्राई कर लेते हैं. तो पोहा इन्होंने कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डाले, एकदम प्लेन पोहा बनाया है. जैसे कि आपको नागपुर में, इंदौर में डिफरेंट टाइप का पोहा मिलेगा, यहाँ पे एकदम सिंपल सा पोहा इन्होंने बनाया. अगर आप यहाँ पे पोहा ट्राई कर रहे हो आपको एकदम सिंपल सा पोहा मिलेगा, ज़्यादा चटपटा नहीं रहेगा. जैसा कि लोग सिंपल नाश्ता पसंद करते हैं, ज़्यादा मसाले पसंद नहीं करते, तो एकदम वैसा पोहा बनाया. साथ में जो कोकोनट चटनी डाली है वो हल्की सी स्पाइसी है, तो अगर आपको थोड़ा सा बीच में स्पाइसीनेस चाहिए तो आप कोकोनट चटनी यहाँ पे डलवा सकते हो. तो दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. तो नेक्स्ट आइटम मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, उनके देसी घी में बने जीरा राइस, इसमें भी इन्होंने साथ में कोकोनट चटनी डाली है. जिनके फ्राइड राइस है वो भी एकदम नॉर्मल से है, ज़्यादा स्पाइसेस कुछ भी नहीं है, साथ में कोकोनट चटनी के साथ मज़ा आ रहा है खाने में. अगर आपको सिंपल सा खाना खाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ब्राह्मणम प्रसादम में आके इनका यह फूड टेस्ट कर सकते हो. एकदम सुबह सुबह आके आप हल्का सा नाश्ता यहाँ पे कर सकते हो. के बाद नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रहा हूँ स्वीट में, इनकी जो है मैंगो रबड़ी. ये आगे इनकी सबसे हॉट सेलिंग आइटम मैंगो रबड़ी. तो मैंगो को देख सकते हो इसमें अच्छे से इन्होंने क्रश करके डाला हुआ है, आपको इसमें मैंगो पीसेस दिख जाएंगे और एकदम थिक रबड़ी है इनकी.
तो अभी समझ आया मुझे कि आधे घंटे में यहाँ पे खत्म क्यों हो जाती है, क्योंकि मजेदार बनाई है, एकदम थिकनेस काफी ज्यादा अच्छी है इसकी। जो मैंगो है एकदम अच्छे से क्रश करके इसमें डाले गए हैं और टेस्ट इसका एकदम बढ़िया आ रहा है। तो अगर आप भी बैंगलोर में रहते हो, स्ट्रीट में कुछ अच्छा ट्राई करना चाहते हो, तो यहाँ पे आके इनकी मैंगो रबड़ी ट्राई कर सकते हो। तो बात कर लिए इनकी प्राइसेस की, आपको यहाँ पे जीरा राइस मिल जाएंगे 30 रुपए के। पोहा अगर आपको खाना है तो पोहा आपको मिलेगा 40 रुपए का। साथ में आपको ये वड़ा अगर लगवाना है ये है 12 रुपए का। अगर आपको सूप लेना है तो सूप मिलेगा आपको 30 रुपए का। अगर आपको मैंगो स्पेशल रबड़ी खानी है तो आपको मिलेगी 80 रुपए की। अगर आपको नॉर्मल रबड़ी खानी है तो आपको 60 रुपए की मिल जाएगी। टाइमिंग क्या रहता है इधर? 8:30 to 10 और उधर 8 to 10। वीक में कितने दिन ओपन रहता है ये? एवरी मंडे विल बी ऑफ। एड्रेस बता दीजिए किसी को अगर यहाँ पे। बंसिंग से सेकंड स्टेट देयर इज अ डोमिनोज पिज्जा, बिसाइड टू दैट देयर इज अ वृंदावन पार्क, कॉर्नर टू दैट विल बी स्टे। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको भैया की लुक एकदम ब्राह्मण वाली लुक मिल जाएगी और एकदम बढ़िया से यहाँ पे सुबह सुबह आके नाश्ता सर्व करते हैं। 1 से 2 घंटे में सारा खत्म हो जाता है, तो जल्दी से आके आप यहाँ पे इसको टेस्ट कर सकते हो। तो इस ब्रेकफास्ट को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।